आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने लोहा कारोबारी के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहा कारोबारी की 16 जून की सुबह घर से फैक्ट्री जाते समय पुलिस की वर्दी पहनकर किए गए अपहरण, फिर उसके बाद फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अपहरण करने के बाद बदमाशों द्वारा फिरौती के एवज में 20 लाख रुपये मांगे गए थे, लेकिन कुछ कम होते होते 6 लाख रुपए लेकर कारोबारी की पत्नी ने अपहरणकर्ताओं से अपने पति को छुड़ाया था। कुल 6 बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को सिर्फ गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक तमंचा व फिरौती की रकम में से उसके से हिस्से में आने वाली 10,000 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 16 जून की है, जब लोहा व्यापारी को अपहरण किया गया, उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई। जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस जांच में जुटी, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। ये देखिए, 16 जून को एक इग्लास में एक व्यापारी है जिंदल साहब, जो लोहे के व्यापारी, उनका कारखाना है इग्लास एरिया में, जो सुबह अपने घर से इग्लास के लिए जा रहे थे, तो लगभग 8:30-9 बजे के बीच में उनको बदमाशों द्वारा किडनैप कर लिया गया था। किडनैप करने के बाद से उन्हीं के फ़ोन से उनके घर पर फ़ोन करके उसकी फिरौती की मांग की गई थी, जिसमें उनकी पत्नी ने बातचीत करते हुए, पहले उन्हें बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, फिर निगोशिएट करते हुए 10 लाख रुपए की मांग किया, फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, पैसा लेकर वहाँ गई, तो 6 लाख रुपया बदमाशों द्वारा वहाँ ले लिया गया था। इसके संबंध में इग्लास थाने में मुकदमा संख्या 239/20-364 पंजीकृत हुआ था। उस घटना का आज इग्लास पुलिस ने खुलासा करते हुए एक उसमें अभियुक्त जो इन्वॉल्व है, संतोष सना राम बिहारी, जो ये महामुनि थाना मुरसान हाथरस कराने वाला है, उसको तोचीगढ़ जो बम्बा है वहाँ से इसको पकड़ा है। पकड़ने पर उस व्यक्ति ने खुलासा किया है, स्वीकार किया घटना में इन्वॉल्व होते हुए, और उसने बताया है कि इस घटना में कुल अभी तक मिलाकर के 6 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें 4 लोग एक्टिव रूप से इन्वॉल्व हुए थे। एक व्यक्ति जो है राकेश नाम का, जिसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया था, एक पिंटू है जो इसमें बाहर से इन्वॉल्व है। कुल 6 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक आदमी असंतोष पकड़ गया है। संतोष से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, जो घटना में इसको लूट का जो पैसा बंटवारा हुआ था उसमें जो 10,000 रुपया है वो रिकवर हुआ है। इसमें घटना में जो इन्वॉल्व लोग हैं, विनोद जाट जो कि एक बर्खास्त सिपाही है, वो जो घटना का अंजाम देता है वर्दी पहनकर का अंजाम देता था देता है, इस घटना में भी वो उस दिन वर्दी पहना था। उसका जो साथी एक जयपाल करके है, जो मथुरा का रहने वाला है, एक जो साथी है जो उसका रहने वाला है विनोद है पथनेरा, जयपुर राजस्थान रहने वाला है, वो इसमें इन्वॉल्व था। ये विनोद जाट और जयपाल ये वर्दी में थे, वर्दी में रोक करके उसको जिंदल साहब को रोक कर कहे कि हम लोग SOG के हैं और आपके खिलाफ वारंट है, उस पर उनको जबरदस्ती उन्होंने पकड़ करके वो ले गए मुरसान साइड एरिया में। उनसे पत्नी से बात किया, फिर आकर के इगलास साइड में उन्होंने पैसा लेकर फिर वापस उनके गाड़ी से गया, मुरसान में उन्होंने छोड़ दिया। इस तरीके से इगलास पुलिस ने इस घटना को अनावरण किया है। जो शेष अभियुक्त हैं उस शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु SSP महोदय द्वारा इनाम की घोषणा कर दी गई है। 25,000 रुपये का इनाम है। इनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें SSP महोदय ने जो टीमें गठित की हैं वो अभी भी टीमें दबिश दे रही हैं और जगह पर हैं। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जितने भी लोग और अभी अपराधी हैं जल्दी इसमें गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। थैंक यू।